अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम काशिफ है। सोलो फॉरेक्स जानब से मैं हाजिर हुआ। तो टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। चूँकि हमारी शुरू से कोशिश थी कि आप वो टेक्निकल एनालिसिस फ्राम करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्यूरेसी आपने चेक की हुई है, कितनी अच्छी है। तो जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये जो आपके सामने स्क्रीन ओपन है, ये गोल्ड की है, सही है। मतलब गोल्ड की अगर प्रीवियस मूव को देखा जाए तो इसने बहुत ज्यादा मूव की है, सही है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी सी इसकी वो बताएं, नेक्स्ट इसका टारगेट जो है। तो सबसे पहले यही तरीका करेंगे कि हाई इसकी वो कर लेते हैं और लो भी, सही है। इसकी हाई और लो जे होगी, इसकी हाई और जे लो। अब इसके दरमियान आप देख लें, इस पिछले जो वीक था ये इसके दरमियान ही रहा है, सही है। एनएफपी का भी कुछ असर हुआ है जिसकी वजह से इसने थोड़ी अच्छी खासी मूवमेंट कर दी है, यूएस थोड़ा स्ट्रांग हो गया है। लेकिन टेंशन मत लें, अब इसने जाना बेकी है, सही है। तो वो करके आपको कुछ एरोस खींच के बता देता हूँ कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है। तो चलते हैं एरोस की तरफ। तो इसने ना मंडे के दिन जैसे मार्केट ओपन होगी, इसने थोड़ा सा 1700 बार के 1800 तक नीचे मूव करना है, सही हो गया। इसने इस पॉइंट से यहां तक मूव करना ही है। अब ये घबराना नहीं है, जो के बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं ना मार्केट में, तो वो इस तरह करे कि जब ये 1800 तक आए तो एक एंट्री लगा ले, सही है। ये शॉर्ट रेड में आपको बता रहा हूँ, मतलब इसको में किस किस्म की वो नहीं होगी। 1800 से आपने टीपी रखना है अपना, पहला जो टीपी है वो रख लें आप 15 पर, सही है, 15 पर रख लें। फिर आराम कर ले, प्रॉफिट ले ले, फिर नेक्स्ट वो कर ले, फिर थोड़ा सा ये नीचे आएगा, मतलब RSI को वो करेगा। अगर ये आता है तो फिर जहां से ये आप जाएगा, सही है, मतलब कि एक दिन में ये तकरीबन 1830 तक जाएगा, मंडे के दिन तक, ठीक है। तो आपने वेट करना है, मतलब कि ऊपर नीचे तो इसकी मूवमेंट होती रहेगी, एकदम से तो ये इस तरह प्राइस गेन नहीं करेगा, मतलब कि आपने होल्ड रखना है, सही है। तो फिर आपने वो कर लेना है, फिर वेट करके यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना है। थोड़ा सा नीचे आएगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा सा आएगा, सही है। फिर आपने थोड़ा सा वेट कर लेना, फिर इंशाल्लाह फिर से बाइक एंट्री लगेगी। और मतलब कि लॉन्ग टर्म अगर ट्रेडर है तो आपने इसका जो टीपी है वो 80 पर रख देना, 1880। इसने जाना बहुत ज्यादा ऊपर है, सही है, जस्ट आपके लिए कि आपने यहाँ पर इसका टीपी रखना है। मतलब कि जो लोग फंसे हुए वो तो वेट कर लें कि ये कहाँ तक वो होगा ना। तो नेक्स्ट आपको एनालिसिस दे देते हैं GBP USD का। ये तो हो गया गोल्ड, गोल्ड तो क्लियर हो गया ना, इनशाला आप चेक कर लीजिएगा, इनशाला हमारे एनालिसिस के मुताबिक इसकी मूव होगी, सही है। तो नेक्स्ट आपके पास है GBP USD, उसने भी काफी हद तक मूवमेंट की हुई है, तो उसको भी देख ले, मतलब इसमें इसके हाई और लो पॉइंट देख लेते हैं, सही हो गया। तो सबसे पहले हाई रेड लाइन लगाते हैं, ये इसका हाई हो गया, सही है, ये इसका हो गया लो, सही है। ये इसके दरमियान ही मूव करती रहे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एरोस खींच लेते हैं और प्रेडिक्शन भी दे देते हैं कि ये कहाँ तक अब इसका इरादा है, सही है। तो देख ले, मतलब कि इसी के दरमियान ही ये रहा है। तो सॉरी, इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है बाई का ही, सही है, मतलब कि ये बाई जाएगा। तो देख लेते हैं थोड़ा सा जूम इन करके। तो आपने जस्ट इसको यहाँ से
कुछ नहीं करना, मंडे के दिन इसको थोड़ा सा मूव हो लेने, ठीक है। तकरीबन ये 36,700 तक आ सकता है, 36,700 सही है, 36,000 जहां तक आ जाएगा जी, ज्यादा अगर इसने मूव की तो फिर इसका जो चांसेस है वो बई के ही है, ठीक है। फिर आपने यहां से एंट्री बाई की लेनी है, तो आपने फर्स्ट टीपी जहां से ये रिट्रेस हुआ वहां पर रख देना है, सही है। तो वेट करें थोड़ा सा, आरएसआई का वो करेगा जी, मतलब कि थोड़ा घुमाएगा फिर आएगा, फिर जिस तरह फिर इस तरह करके जहां से बाई लगा दें एक और, सही है। मतलब कि इसका ओवरऑल जो ट्रेंड है ना वो बाई का ही है, मतलब ये जिस जगह से गिरा था इसके चांसेस हैं वहां तक जाने के, सही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे घबरा जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, मतलब कि उनके वो होता है कि हम फंस गए, तो कोशिश करें कि होल्ड किया करें। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो SLTP नहीं लगाते, उनसे गुजारिश है कि SLTP जरूर लगाया करें, क्योंकि SLTP से तो बंदा प्रॉफिट भी गेन कर लेता है और SL अगर हिट हो जाए तो वो भी वो हो जाता है। तो रेशियो 1:2, मतलब के SL 10 पिप्स का और TP 20 पिप्स का इस तरह रखें। बाकी जो अपने एनालिसिस भी यूज किया करें, जरूरी नहीं है कि किसी और के वो कर लें। अब USD की तरफ जाते हैं, सही है। इसने भी काफी अच्छी मूव कर रखी है, देख ले। अगर आपके ओवरऑल इसका जो NFP की इन्फेक्ट हुआ था उसके मुताबिक उसके बाद भी इसने बाई का ट्रेड लिया हुआ है, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कर लेते हैं हाई लो, तो हाई हो गया और इसका लो जी, इसका लो हो गया, सही हो गया, चेक कर ले नई लो को भी। और अब नेक्स्ट मूव इसकी वो कर लेते हैं कि अब ये इसने क्या करना है, तो देख ले नई लो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो एरोस की हेल्प लेते हैं, सही हो गया। तो थोड़ा सा मंडे के दिन नया थोड़ा सा नीचे मूव जस्ट फॉर ट्रेपिंग, सही हो गया। फिर वही तरीका उठाना इसने, मतलब के यहां से फर्स्ट TP ये आपका हो गया, सही हो गया। सेकंड TP थोड़ा सा सेल का लगा ले नीचे, इतनी ज्यादा मूव नहीं करेगा, थोड़ा सा करेगा अगर कोई स्केल पर है तो उसके लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वो कर ले, थोड़ा सा बाई के लिए लॉन्ग कैंडल खींचेगा, 2-3 मारेगा, सही है। फिर नीचे थोड़ा सा नीचे स्केल पर रेडी रहे, क्योंकि आजकल तो वैसे भी स्केल्पिंग ही हो रही है, सही है। और फिर लंबा सा, सही। तो मतलब के फिर इसने मतलब कि नीचे तो मूव होती रहेगी, मतलब इस वीक जो है ना ये बाई के दिन बाई में ही रहेगा, सेल के इसके चांसेस नहीं है, ठीक है। ह्यूज अकाउंट होल्डर जो है ना वो मंडे के दिन से ही बाई लगाकर होल्ड कर सकते हैं, मतलब कि उनको किसी किस्म की वो नहीं होगी। और माय फेवरेट प्लेयर GBBJPY, लेट्स एनालाइज़ जी रहा GBBJPY। इसके हालात तो अच्छे हैं, मतलब कि इतने बुरे नहीं है, लेट्स सी वो कर लेते हैं इसकी। हेलो भाई निकाल लेते हैं, आई हो गई। और ये
इसकी लो हो गई। अरे यहाँ पर ही लो मूव करके यहाँ पर लो रख ले, ठीक है। ये इसी दरमियान ही चलता रहता है, ठीक है। आप लोग चेक कर लें जूम इन आउट करके, सही है। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो सेल का ही ट्रेंड है, काफी हद तक ऊपर गया हुआ है। फर्स्ट टारगेट इसका मूवमेंट लेके दिन थोड़ा सा ऊपर सही हो गया, और फिर वही इसके काम जिस तरह पहले करता रहता है। मतलब ये इस तरह बेस्ट पेयर है कि जो दोनों तरफ ही मूव करता है, बाकी में बहुत सारे लोग होते हैं जो पेयर में फंस जाते हैं। ये बंदे को इतना रुलाता नहीं है, मतलब कि जो लोग ऐसे नहीं लगाते उनको चाहिए कि वो इसी पर ही ट्रेड करें, क्योंकि ये तो दोनों तरफ ही मूव करता है, यहाँ से फिर बाई की तरफ सही हो गया मूव करेगा। तो ये जो मैं एरोज लगा रहा हूँ ये डे वाइज है, सही है, मतलब संडे मंडे रोज इस तरह इसकी मूव होगी। तो कोशिश किया करें कि कम लार्ज साइज लगाया करें, क्योंकि कम लार्ज साइज के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, सही है। तो ये थे प्यार्स। अगर आप लोगों किसी किस्म का कोई एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट्स में बता सकते हैं कि फलां चीज का हमें एनालिसिस चाहिए, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।